थाना नगला सिंगी पुलिस ने बनकटपुर के पास से 1 किलो 100 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त किया गिरफ्तार। तारांकन 250 ग्राम नशीला पदार्थ हेरोइन भी हुई बरामद। एसपी सिटी कार्यालय पर एसएसपी अशोक कुमार ने किया खुलासा। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बताई गई 50 लाख। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुकेश उर्फ टिंचू यादव, फरार अभियुक्त मोंटी उर्फ देवेश बताया। थानाध्यक्ष नितिन त्यागी की उनकी पुलिस टीम संग सफलता। ये मुकेश उर्फ टिंचू यादव हैं, इनके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम चरस और 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 50 लाख या उससे ज़्यादा ही होगी। इनका जो मेन सप्लायर है उसका भी कोई मेन होगा, ये तो रिटेल हैं, रिटेल वाले से ऊपर मेन उसका और कुछ होगा। वो मोंटी उर्फ देवेश है, मेन मोंटी उर्फ देवेश है, उसकी हम लोग पकड़ धकड़ करने में लगे हुए हैं। वो मिलेगा तो और मिलेगा। ये बरामद हुआ है इनसे, ये इस तरह से कारोबार सप्लाई कर रहे हैं और नई पीढ़ी को नशे की लत में धकेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई नगला संगी इंस्पेक्टर ने किया है। और मैं उनसे उम्मीद करूंगा ये मोंटी तक जाएं और मोंटी के आगे भी जाएं, कहां से ये चरस शुरू होती है, ये हेरोइन कहां से शुरू होती है, क्योंकि ये बहुत हमारे समाज को बहुत गहरे अंधकार में डालने वाला है नवयुवकों को, तो ये बहुत जघन्य अपराध है। वैसे भी बहुत ये नारकोटिक्स बहुत ड्रेकोनियन होता है, इसमें हम लोग पूरा लगे हुए हैं। अभी केवल शुरुआत हुई है इसकी, मोंटी तक जाएंगे, मोंटी के बाद उसकी जड़ में जाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, अभी बहुत काम बाकी है इसमें।